नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो टाइकथॉन से रिलेटेड है। ये बेसिकली टाइकथॉन है क्या? ये एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो ये टाइकथॉन है 2023 का, जो हमारे SCERT डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लॉन्च किया गया है, इसमें 6 से लेकर 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो बहरहाल चलते हैं हम कि ये टाइकथॉन में जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी चाहिए। तो जैसे एक लिंक मैं आपके साथ, तो देखिए इस प्रकार से लिंक आपके सामने खुलेगा। और आपके सामने जब लिंक खुलेगा तो आपने इसमें स्टूडेंट की डिटेल भरनी है। मान लो मैं ये डिटेल भरता हूँ सुप्रिया, तो पेरेंटेज रमेश कुमार, फीमेल। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर भरने के बाद, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी जो है वो भरनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो बहरहाल मैं ये यहाँ पे डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस है, तो आप डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस करके गूगल क्रोम से इसको पढ़ सकते हैं। टीचर साहिबान इसे आराम से पढ़ सकते हैं कि बच्चे की कौन सी डिटेल चाहिए। देखिए बच्चे की जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंटेज, जेंडर और मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए। फिर स्कूल का नाम जो है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, फुल नेम वगैरह वगैरह जो भी डिटेल है वो इसके सामने है, तो आप उसको भर सकते हैं। तो जब आप ये डिटेल भरेंगे तो देखिए इसके बाद क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, यूडाइस कोड जो भी स्कूल का है, नेम ऑफ द स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ स्कूल या क्लास टीचर जो भी है, और कंप्लीट स्कूल का एड्रेस, कौन सा बोर्ड है वो बोर्ड भरने के बाद। फिर हम तो देखिए जब हमने नेक्स्ट किया स्कूल डिटेल भरने के बाद, तो सबसे पहले हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी। मान लो बच्चा 6 से 8 तक का है। उसके बाद बच्चा जो भी मैंने जैसे कि पहले बताया, इसमें जो भी खिलौना या गेम्स जो भी बनानी है वो इस प्रकार की बनानी है जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, मतलब कल्चरल जो हमारी चीज़ें हैं जो कल्चर में होती हैं, जो हम जिसे हम बोल सकते हैं कि पौराणिक जो कथाएं हैं, मिथियोलॉजी जो पे आधारित जो है, उनके हिसाब से हम टॉयज बनाएंगे। तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन है बच्चों की। तो थीम हम सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार का होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से कोई सा भी आप, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कोई थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या बच्चे ने लिखा है। तो जब आप ये चीज़ें दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ फिर। तो देखिए उसके बाद आगे जो है, हैव यू एवर सबमिटेड योर इनोवेशन आइडिया प्रीवियसली इन टाइकथॉन, किया है अगर कभी पार्टिसिपेट तो यस, वरना नो कीजिए। इफ़ यस तो मेंशन करें डिटेल की कब किया है। और फाइनली लास्ट में जो है ये सबमिट करना है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने भी टीचर साहिबान इसे देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाएँ। और जो ये लिंक है, आपको ये लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इसको खोल सकते हैं और बच्चे की डिटेल भर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।